हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जहाँ पर मैंने व्लॉग एंड किया था वहीं से नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करते हैं। तो जिस दिन मैंने व्लॉग एंड किया है उसके बाद हम लोग 5 to 6 घर मतलब गए थे सबसे मिलने के लिए। मेरी फुप्पो हैं, चाचा हैं, मेरी फुप्पो की बेटियां हैं, तो सबसे मिलने के लिए गए। और उस दिन यकीन करें वन बाय वन मतलब एक घर में जा रहे थे फिर दूसरे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो और टाइम बहुत कम था। तो मैं इतना बुरा थक चुकी थी रात में कि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं सकी। मतलब वो वहाँ से FTC बिल्डिंग के बाद जो है ना, बस मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर सकती, तो वहाँ से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। फिर नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी हूँ तब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया यहाँ पर। तो बस मैं रूम में आ गई हूँ और ये पर्दा हटाते हैं क्योंकि डे टाइम की वो जो रोशनी होती है आपको पता है मुझे कितनी अच्छी लगती है। और मैं सोकर उठी हूँ, यहाँ पर ये चीज़ें रख ली हैं और ये चीज़ें लगाते हैं चार। ये न्यूड लिपस्टिक है, थोड़े से लिप्स अच्छे लगेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वैसे ही अजीब हालत हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फेयर एंड लवली लिप ग्लॉस मतलब ये लिप बाम और उसके ऊपर ये लगा लेंगे। बाकी नेक ब्लो रखा है, दुपट्टा है जो ड्रेस पहना हुआ है ये वाला, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था और इसको मैंने सिलवाया था ना तो ये लेस इस तरह लगवाई थी ये, तो ये सबको बल्कि बहुत प्यारी भी लगी हुई थी। ये लेस सबको बहुत प्यारी लगती है, इस वजह से सबको मेरा ड्रेस भी बहुत प्यारा लगता है। इस पे फोकस नहीं कर रहा है, बाकी ये है और इस पे भी हैगा ट्राउज़र जो ढाका पजामा होता है ना वो सिलवाया था। और ये देखें तो बस ये है, ये वाला ड्रेस पहना हुआ है। तो नाश्ता करने के लिए चलते हैं, बाकी यहाँ पर मैंने सारा अपना सामान रख दिया है अंदर, तो यही हैगा बस आप लोग को जो दिखाने का है। बाकी बहुत थकन हो रही है, थक गई हूँ आज मैं, मतलब जो कल का सारा दिन गुजरा है ना बहुत थक गई। बस हम लोग चलते हैं, अपने काम स्टार्ट करते हैं आज भी जो करने हैं, पर पहले हम लोग नाश्ता करने के लिए चलते हैं। तो हम लोग आए यहाँ पर नाश्ता पॉइंट पे, ये बहादराबाद पे है, इसका नाम पहले टोसो था। यहाँ पर बहादराबाद पे टोसो मेन रेस्टोरेंट है, उसके सामने स्ट्रीट जा रही है रोड क्रॉस करके, वहाँ पर ये है। मतलब आप स्ट्रीट पे बैठ के भी नाश्ता कर सकते हैं और यहाँ का नाश्ता ना बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। पहले इसका नाम टोसो था, अब जो है ना नाश्ता पॉइंट हो गया है। हम लोग यहाँ पर तब से आ रहे हैं जब से मेरे बड़े बाबा वाले यहाँ पर बहादराबाद पे शिफ्ट हुए थे। हम लोग पूरी फैमिली जब उनके घर आती थी ना यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आती थी, और यहाँ की हलवा पूरी ये सब कुछ ना बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का देखा। आप लोग ना कभी यहाँ का वैसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नाश्ता बहुत मज़े का होता है, ख़ास तौर पे हलवा पूरी और पराठा भी अच्छा होता है, हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है। और उस सब के बाद ना हम लोग यहाँ पर आ गए हैं जो मतलब ये क्या कहलाता है, कारखाना टाइप जो होते हैं जहाँ पर फर्नीचर बनता है, क्योंकि मेरी फूफो को अपना न्यू फर्नीचर बनवाना है एक रूम के लिए। तो यहाँ पर वही कलर और सारी जो वुडन है किस टाइप की है ये पसंद कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि आपको जैसा भी डिज़ाइन चाहिए, मतलब आप चाहे नेट से देख कर बता दें या उनके पास कैटलॉग वगैरह थी उसमें से देख कर बताएं, हम एज़ इट इज़ बना देंगे। तो कलर डिसाइड कर रहे हैं और यकीन करें ये कलर की वीडियो बनाते हुए मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे कलर्स ना वीडियो में। और मैंने इसलिए भी बना ली थी कि अलग से मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं घूमने जाऊं और व्लॉग शूट कर सकूं, तो जो भी है मेरे साथ रूटीन में मैं वही दिखा रही हूं आप लोग को। और आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं सारे कलर्स वगैरह। और फिर हम लोग आ गए यहाँ पर ग्रीनो, क्योंकि असल में गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में भी ना, एक तो कराची की गर्मी फिर शक्कर में, और मैं मुझसे ना गर्मी मतलब ऐसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो मेरा दिल कर रहा था कोई ड्रिंक या कुछ पीने के लिए, और ड्रिंक वगैरह मैं ना मुझे प्रेफर ये रहती है कि ना प्रेफर करती हूँ कि मिल्क शेक्स वगैरह पी लूँ ना, तो क्योंकि वो हेल्दी भी रहता है और टेस्ट वाइज भी अच्छा होता है। तो ग्रीनो के मिल्क शेक्स वगैरह आप लोग बताइएगा किस किस को पसंद है, मुझे बहुत पसंद है।
और यहाँ पर ये बहादुराबाद चार मीनार है, तो मैंने ना इसकी पिक्चर ना स्टेटस पे लगाई थी इंस्टा स्टोरी पे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर ना एक मतलब गर्ल का मैसेज आया कि ना ये तो इंडिया के चार मीनार जैसा है, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान का चार मीनार है, तो पता चला वो गर्ल इंडिया की थी और उसने बताया कि हमारे यहाँ हैदराबाद में चार मीनार है, तो एज़ इट इज़ था। मैंने कहा ये पाकिस्तान का कराची का चार मीनार है, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि कहीं मतलब पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री से या इंडिया से किसी ने मैसेज किया था, तो मुझे देख कर ना मतलब अच्छा लग रहा था कि वो भी देखते। गाइस मैं जो है नीचे जा रही हूँ, बिल्कुल अप्पू के घर के नीचे जो है ना वो है क्या कहते हैं यूनाइटेड किंग्स, तो वहाँ से मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगी। और जो ड्रेस पहना हुआ है वो ये हैगा जो मैं आपको सुबह शो कर रही थी, तो बस दुपट्टा और नकाब लगा के मैं नीचे जा रही हूँ, वहाँ से कुछ लेकर आती हूँ, अपना बैग हैंग किया हुआ है, और चलते हैं फिर क्या लेना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पर ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैंने बाकी मतलब कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए। और नीचे ही मेरी कज़न मिल गई थी, वो लोग मुझसे मिलने आए थे और फुप्पो से भी अपने बच्चों के साथ, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें ली थी, फिर मैंने कुछ भी परचेज़ ही नहीं किया कि जब वो ले रही हैं तो फिर अलग अलग सेपरेट क्या लेना। और सब मुझे कहते हैं तुम इतना कुछ खाती हो लेकिन तुम्हारी हेल्थ तो बहुत कम रहती है, मतलब कमज़ोर रहती हो, तो मेरी क्वान्टिटी वाइज ना मैं काफ़ी कम खाती हूँ और दूसरा मेरी हेरिडिटी में भी है। और ये मेरी कज़न के दोनों बच्चे हैं और इनकी मैंने काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड्स किए हैं, आपको मैं सारी दिखाती हूँ। और ये सारी चीज़ें ना यूनाइटेड किंग बेकर्स की थी, मतलब काफ़ी अच्छी मज़े की चीज़ें थी, तो हम लोगों ने यही खा पी कर इंजॉय किया था। और मैंने जो बच्चों की वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की हैं वो सारी मैंने डाल दी क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी बातें करते हुए। हाय से हाय शांति, नाउ व्हाट्स मेक कोको मेलन के अंदर, बट ये कोको मेलन नहीं है, इट्स माय व्लॉग। हेलो, टेल मी योर नेम एंड योर्स। शांजे, व्हाट आर यू मेकिंग? व्हाट आर यू मेकिंग? यू पुश करो जोर से, इससे ज्यादा माँ को झुक। नहीं नहीं राम, इसको उल्टा रखो, रखिए इसको, बताओ बताओ आप करके दिखाओ, लेकिन हमें पता गलत कर दिखाओ, इधर दिखा, नहीं नहीं इधर दिखा, नहीं जो ही करेगी। व्हाट इज दिस? स्नेक? नो इट्स वॉर्म, स्नेक नूडल्स, नाउ ईट इट। से लाउडली वाओ, नाउ वेयर इट, वेयर इन योर फिंगर्स, व्हाट इज दैट? पाउड बनाओ शांति, बनाओ ना पाउड, बनाओ शांति पाउड, यू करो करो उसको, आप करो, अच्छा चीज कह दो, चीज चीज करो, जोई को चीज, फायर फायर, नाउ शांति बहुत फायर के बाद वाला लगाओ, नाउ मेक अ फनी फेसेस, फनी फेसेस शांति, नाउ अ सैड फेस, सैड फेस, make a sad face, it's a happy face, crying face, crying face, laughing face। हेलो गाइस, मैं आई हूँ डॉल्मिन मॉल और इट इज़ द नेक्स्ट डे, और ये कितने दिन का व्लॉग होने वाला है पता नहीं, बट तो हमें जाना है एक शॉप पे खाड़ी पे, बस वहाँ से कपड़े लेंगे और फिर चलेंगे सखर के लिए। तो हम लोग गए थे खाड़ी, अपनों ने मास्क लिए और पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, वहाँ पर अलाउ नहीं थी वीडियो इसलिए मैंने नहीं बनाई है। अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट में, खाना खाते हैं, खाना खा के चलेंगे, तो ऑर्डर करती हूँ फिर दिखाती हूँ क्या लेना है। हेलो, तो हम लोग जो है खाना खा लिया है और अब हम हाईवे पे हैं,
व्लॉग स्टार्ट किया था कार से, कार में ही एंड करेंगे। अच्छा ये हुआ, हम लोग खाना खाने के लिए हम लोगों ने बर्गर और क्लॉक से ना वो लिए थे, क्या कहते हैं चिकन स्ट्रिप्स वगैरह, पर इतनी कोई बकवास उनकी सर्विस थी, मतलब वो एक ही थे काउंटर पे और वो ही सर्व करके हमें दे रहे थे, बट बहुत स्लो था, यकीन करें इतना रश हो रहा था, सबको सब जगह से मिल गया था खाना पर उधर से नहीं मिल रहा था। हमारी जो मतलब सारी टाइमिंग ख़राब हुई है ना वो वहाँ पर हो गई। और फिर हम लोगों ने खाना खाया, वॉशरूम गए, फिर हम लोग जब मतलब टू फ्लोर्स नीचे आ गए तो याद आया जो हम लोगों ने बोल लिया था ना खाड़ी का वो अपो के मास्क वगैरह, वो मैं ऊपर भूल कर आ गई, फिर दोबारा जल्दी से मैं गई हूँ, तो बस ये वाली चीज़ें हो गई। लेकिन सही अब हो गया है और खाना खा लिया, बहुत मज़े का रहा सब कुछ। वैसे टेस्ट वाइज बर्गर और क्लॉक के वो फ्राइज़ बारबेक्यू फ्राइज़ थे और वो स्ट्रिप्स अच्छी थी, बहुत मज़े की थी, लेकिन वो जो सर्विस थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बाकी बस अब हम लोग सक्खर जा रहे हैं और ये मेरे ख्याल से 3 to 4 days का जो है, हम लोग संडे को आए थे और आज वेनेसडे, हम लोग आज जा रहे हैं जबकि संडे की रात हो गई थी हम लोग का, तो मंडे ट्यूसडे प्रॉपर रहा है, बाकी संडे और वेनेसडे आने जाने में रहा है। तो ये जितने भी दिन के हैं व्लॉग, या तो मैं एक ही में डालूंगी या सेपरेट करके 2 to 2 parts में कर दूंगी, तो बस यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।